कहते हैं आज से 6,60,00,000 साल पहले ऐसा ही कुछ नज़ारा रहा होगा इस जगह का। ना इंसान होंगे ना परिंदे होंगे, पता नहीं कौन सी मखलूक रही होगी उस वक्त। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आज की सूरत हाल बयां करते हैं, आइए। मेरा नाम साईराज है। अच्छा, यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहता हूँ। फिर आपका नाम? मेरा नाम संदीप। संदीप भाई। तुम्हारा नाम क्या है? अरे संदीप मेरा। अरे संदीप। तो आप थोड़ा बता सकते हैं मतलब ये कितना पुराना? ये 65 मिलियन ईयर ऑफ हो। हाँ, ये बेसल्ट रॉक है एक्चुअली। जी, ये पत्थर का नाम है बेसल्ट रॉक। ओके। ये 65 पुराना, ये जब लावा आया था 65, उससे पहले से हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये हमारे बाप दादा आए तो हमको बोलते थे ये पहाड़ यहाँ से जोगेश्वरी गोरेगांव ये पूरा यहाँ तक सब बसा हुआ था। आपका नाम? प्रशांत मस्कर। अच्छा, आप कहाँ कब से काम कर रहे हो? यहाँ पे हमारा स्टॉल है। तो शॉप है आपकी? है। हाँ। अच्छा, फूल की शॉप है। हाँ, लेकिन अब 2005 से लेके अब इस चीज को ना बिल्डर होने बिल्डिंग बनाने के चक्कर में बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है। वो दिख रहा है आपको बिल्डिंग आजू बाजू पूरा? हाँ, आप देख सकते हो जैसे कि पूरा पीछे 100 मीटर की दूरी पे इसके रेंज में कुछ नहीं बनाना चाहता था। बट बिल्डिंग्स है। 2005 में हाईकोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया था कि टाउनशिप बनेगा, यहाँ पर सब बच्चे लोग के लिए खेलने की चीजें बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, जो भी है 100 मीटर की दूरी तक कुछ नहीं बनेगा। बट आज की तारीख में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलके ना इस चीज को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हो बाजू में ना 5-5 मीटर लग के पूरा टावर ये सब बिल्डिंगें बना दी है पूरा एकदम। बेसिकली हम लोग पहुँच चुके हैं गांवदेवी मंदिर। ऑलमोस्ट वी हैव कवर 140 स्टेयर्स, राइट? हमने 140 स्टेयर्स चढ़ने के बाद यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हो ये गांवदेवी मंदिर है जो कि पहाड़ के ऊपर बना है, और आप मेरे पीछे व्यू तो देख सकते हो। सो आज मेरे साथ मेरा फ्रेंड साहिल। साहिल इधर आ जा, शर्मा रहा है। सो ही इज़ माई फ्रेंड साहिल। फोकस में है कि नहीं साहिल? हाय, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? हाय गाइस। तो साहिल ने मेरी बहुत हेल्प करी है यहाँ पे आने के लिए। मैं बेसिकली मैं यहीं रहता हूँ, आसपास ही रहता हूँ, बट मैं आज तक यहाँ आ नहीं पाया। चलते और थोड़ा शूट करते, बहुत दिन से कभी गए नहीं, लॉकडाउन घर पे बैठे थे। सो जो आप देख सकते हो ये पूरा स्लम एरिया है, और ये जो एरिया है ये पूरा डेवलप एरिया है, पूरा डेवलप एरिया। और ये चौल है, इसको बोलते हैं डोंगर एरिया। अंधेरी में मैं आपको दिखाता हूँ।
सर ये जो भी आप देख रहे हो ये पूरा डेवलप एरिया है। आपको यहाँ पे कितने टाइम से मतलब आप यहीं रहते हैं आसपास? जी जी। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ पे आके कैसा फील होता है? मतलब यहाँ पर रैंडमली आते रहते हैं? हाँ रैंडमली नहीं, रोज आते हम लोग, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और जो नए लोग आते हैं यहाँ पर लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से हर चीज दिखती है आपको चारों तरफ, चीज दिखती है राइट, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है शाम के वक्त और खूबसूरत अच्छा लगता है इधर आने के बाद। अंधेरी बस स्टेशन से स्टेशन से 10 मिनट का रास्ता है या ऑटो है, शेयरिंग ऑटो है। जैसे आप बोल दोगे गाँव देवी दुर्गा माता टेम्पल हमको जाना है तो यहाँ पर जो शेयरिंग रिक्शा चलती है वो आपको यहाँ पर लाके छोड़ देंगे गेट पे, रोज चल गया अभी। पालकी का आप कुछ बता रहे थे? हाँ वो हनुमान जयंती को निकलती है, हनुमान जयंती के दिन पालकी निकलती है। पालकी निकलती है अच्छा, उसका हनुमान जयंती के दिन पालकी तो पूरा अंधेरी राउंड मारता है। साहिल भाई ने भी टीका लगाया, बट वो फील देखने वाला भी रहना चाहिए, जैसे वालों को मिलता है वो देखने के लिए घूमने के लिए, क्योंकि जो गांव देवी दुर्गा माता इसलिए जो नाम है जो पूरे गांव को हैंडल कर दिए। जो गया है नाता है उस दिन इधर के, यहाँ जो छोड़ के गए अंधेरी कहीं और बस गए उस दिन इधर आता है देवी का दर्शन करने के लिए और जो बाकी लोग उन लोगों को मिलने के लिए। सही है। और जो देवी की जो उस दिन निकालते हैं हनुमान जयंती के दिन जब पूरा घुमाते पूरा अंधेरी हम लोग ओके प्रॉपरली मतलब सब एरिया में बुजुर्ग लोग जो नहीं आ पाते सीढ़ी चढ़ के। आरती के टाइम अपने कौन से टाइम पे आरती रहती है यहाँ? एक तो सुबह में रहती है और एक शाम को भी जो होगी 7:30-8 बजे होती है, 7:30-8 बजे रहती है। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप लोग आओ, जो जहाँ जहाँ ये वीडियो जो जो देख रहा है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना, ये मेरे भाई की मेहनत है और मैं तो यहाँ ही रहता हूँ। मुझे आप लोग यहाँ आइए और देखिए, और दानिश कुरैशी भी अपने भाई साथ में है जो वीडियो निकाल रहे इस वक्त। आप आगे प्लीज देखिए मंदिर को, आपको कभी ऐसा नर्वस फील नहीं होगा। आप जब भी जाओगे किसी और के पास तो यही बोलोगे क्या भाई एक टाइम तो वहाँ जाके आ, एक टाइम भी आओ, सबके लिए नो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, क्या मतलब ये नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता, जब यहाँ पर हर लोग आते हैं। हाँ दानिश बात देख लो, वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, ऐसा खुद ही आ रहा है, कुछ भी नहीं है भेदभाव, आप सब आ सकते हो, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अभी आप आओगे या फिर कुछ आपको पे करना पड़ेगा, इट्स ऑल फ्री। आप आओ पर अपना बैठो फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे चेयर्स भी हैं और ग्रीनरी एरिया, आप सुकून से बैठोगे, बस सुकून की जगह है, बहुत सुकून यहाँ ऐसा है। ठीक है, तो शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं, जहाँ ना कोई गम वो जगह ढूंढते हैं, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, चलो ज़मीं पे ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं, छूटा संग कितनों का ज़िंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं।